बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत इजी सी और आसान सी रेसिपी मैं लाई हूँ जो सबको बहुत ही अच्छी लगती है, मज़ेदार सी होती है घर में। और इसके लिए मैंने लिया है चिकन, लिए बोन, ये बोनलेस चिकन नहीं है, बोन्स के साथ है। और इसको मैं बनाऊँगी बारबेक्यू चिकन। इसके लिए मैंने टिक्का मसाला लिया, अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है ये, और ये थोड़ा सा मैंने लिया है लेमू का रस, एक लेमू का रस है, और सोया सॉस है और बारबेक्यू सॉस है। इसमें हम हल्के से कट लगा लेंगे पहले ताकि इसमें मसाला अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए। इसको मैं पहले कढ़ाई में थोड़ा सा कर लूँगी, स्टीम दे लूँगी, और फिर इसको मैं ओवन में करूँगी ग्रिल। तो इसके लिए मैं ओवन को भी पहले से आप प्रीहीट कर लें। देखें लेमू का रस मैंने डाल दिया इसमें। अब बारबेक्यू सॉस डालूँगी जो एक बड़ा चम्मच है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है एक चम्मच। ये टिक्का मसाला है, चिकन टिक्का मसाला आप ले लें या टिक्का मसाला कोई सा भी ले लें आप, शान का, ये कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके लिए इसको हम थोड़ी देर मैरिनेट करेंगे 10 से 15 मिनट के लिए। आप देखें हम इसे कढ़ाई में ऑयल डालेंगे तकरीबन एक चम्मच, बहुत ही कम ऑयल, और फिर इसको स्टीम कर लेंगे। थोड़ी देर ढकना लगा के करेंगे और फिर खोल के कढ़ाई का ढकना कर लेंगे, इसको पका लेंगे। ज़्यादातर आप लेग पीसेस या इस तरह के जो होते हैं लेग्स के पीस के साथ जो बोन वाली होते हैं पीसेस, उनको लें तो ज़्यादा अच्छा बनता है, ये जूसी बनता है, बजाय इसके क्या उसका लें सीने का जो होता है उससे अच्छा बनता है। और प्लीज़ आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें, सब्सक्राइब करते हैं जब, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों को मिल सकें। अब हम इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे ढकना रख के थोड़ा सा 5 मिनट के लिए, और फिर उसे जब इसका पानी ये छोड़ देती है चिकन, क्योंकि जब हम स्टीम के लिए रखते हैं तो इसको, तो फिर इसका हम पानी खुश कर लेंगे, यानी बहुत ज़्यादा हमें नहीं इसको पकाना है ताकि चिकन टूट ना जाए, यानी चिकन की बोटियाँ साबित रहें। ये देखें हल्का सा पानी इसने छोड़ दिया, तो अब हम इसे खुश ढकना हटा के फिर इसको खुश कर लेंगे पानी को, और फिर हम इसे ग्रिल कर लेंगे। अब इसका पानी इतना दिया है, हल्का सा निकल गया यानी खुश्क हो गया। अब ये ग्रिल करने के लिए मैंने ट्रे रखी हुई है ओवन में के लिए, ये जो होती है बेकिंग ट्रे, आप इस पर ये लगा लें अल्मोनियम फ्लाइल और फॉइल, और इसके ऊपर आप ग्रिल रख दें, और इस पर हम चिकन रख देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट में आराम से हमारी और कुक हो जाएगी चिकन ओवन में। 15 मिनट भी बहुत है इसके लिए, क्योंकि हाफ कुक तो हो चुकी है ये। अब हम इसे ओवन में रख देंगे। ये देखें हमारी हो गई है कुक अच्छी तरह ओवन में, बहुत ही मज़ेदार से खुशबू आ रही है
इसको मैं डिश में निकाल लूँगी। इसके आप सैलड वगैरह रख लें, पराठे से, चपाती, जो चीज़ जो भी आपको अच्छी लगती है उससे खाएं। बहुत ही मज़ेदार चिकन बनती है ये, और घर में ही आप बारबेक्यू का मज़ा ले लेते हैं इस तरह। और बहुत इजी सी रेसिपी है, बिल्कुल कोई इतनी ख़ास चीज़ें इसमें नहीं डलती हैं, बस दो तीन इन्ग्रीडियंट्स के इसे दो तीन चीज़ों से आप इसको बना सकते हैं। मैंने सलाद बनाई हुई है, हमारी अच्छी सी बारबेक्यू चिकन तैयार है और बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है ग्रिल होने की वजह से चिकन से। फ़ौरन झटपट तैयार है, तकरीबन आधे घंटे में मसी हमारी बन जाती है। अगर आप ज़्यादा पैरिनेट के लिए रख सकते हैं तो आधे घंटे या 15 मिनट के लिए रख दें, एक मिनट एक घंटे में आपकी चिकन तैयार है। मुझे इजाज़त दे अच्छी सी और नई रेसिपी के साथ।